शाहजहांपुर हरियाणा बॉर्डर पर सैनिक कल्याण बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वे भाजपा नेता प्रेम सिंह बाजौर पर रविवार शाम को किए गए हमले का मामला तूल पकड़ने लगा है। बाजौर ने कहा कि उसका कोई दुश्मन नहीं है। शाहजहांपुर बॉर्डर पर सीकर की तरफ से कुछ लोग पहले से बैठे हैं, लोगों ने उन्हें पहचाना। इसके बाद वे गो बैक के नारे लगाने लगे, तभी हाथों में डंडे लेकर हमला कर दिया, कार के शीशे तोड़ दिए। उस समय वहां अन्य वाहनों में बैठे लोग भी घबरा गए थे। घटना के बाद भाजपा नेताओं ने इसकी निंदा करते हुए विरोध जताया है। गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए, गाड़ियों को तोड़ दिया, पोल भी कई गाड़ियों के तोड़े, हमारी गाड़ी के चालू में से शीशे तोड़ दिए, लट बजा बजा करके लट दिए। मेरे पीए को भी चोट आई, मेरे साथ एक मेरा मित्र था उसको भी चोट आई भारी, और मेरे भी मेरे कपड़े तक हाथ फाड़ दिए, और लाठियों की भी दो चार इधर उधर घुसते हमारे। तो इस प्रकार का जो काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये बहुत गलत है, और प्रशासन को इस पर अमल करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रकार जो रास्ते चलते लोगों को कूट पीट करेंगे किसानों के नाम पर, किसान ऐसा कर सकते हैं क्या? लेकिन इस प्रकार के लोग जो किसान के नाम पर बदमाशी कर रहे हैं वहाँ, उनको चिन्हित करके अंदर डालना चाहिए।